हाय एवरीवन, आपका अनुभव किचन डायरीज़ में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी। इसके लिए हमें चाहिए प्याज एक मीडियम साइज़, एक कटी हुई पत्ता गोभी, ये ऑलमोस्ट 1 किलो है, एक आलू कटे हुए। हमने कढ़ाई गरम कर ली है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल अब गरम हो चुका है। अब इसमें हम तेज पत्ता एक डालेंगे। होने तक के पकाएंगे। लगभग 2-3 मिनट हमने पका लिया है इसे और इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, ये ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हम इसे ढक कर 10 मिनट तक के पकाएंगे, जिससे कि अपना पानी छोड़ दे और थोड़ा क्वांटिटी इसकी कम हो जाए। ये देखिए, लगभग 7 मिनट हो चुके हैं और इसने अच्छे से पानी छोड़ दिया है। अब हम थोड़ा सा ये पानी को रिड्यूस करेंगे, इसको खुले में ही पकाएंगे। और जब थोड़ा पानी सूख जाएगा तब हम इसमें आलू डालेंगे। हमने इसे ऑलमोस्ट 5 मिनट तक के ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसमें डालेंगे आलू। हमने आलू पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि यदि हम पहले डालते तो आलू एकदम मैश हो जाता। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम 5 मिनट इसे ढक के पकाएंगे। ये हमने 5 मिनट के करीब पकने के लिए छोड़ दिया था। एक बार हम फिर से इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं, जिससे कि मसाला और जो ये आलू है ये ऊपर और नीचे हो जाए, जिससे कि इवनली ये पक जाए। फिर से हम इसे 5 मिनट ढक के रख देंगे।
5 मिनट हो गया है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें ये देखिए आलू आधा पक चुका है, ऑलमोस्ट पक चुका है आलू। अभी हम 5 मिनट और इसे खुले में पकाएंगे और थोड़ी थोड़ी मिनट में, थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहेंगे जिससे कि ये नीचे लगे नहीं। ये देखिए पानी और पानी इसका एकदम ड्राई हो चुका है और ये आलू भी पक चुका है। अब हम थोड़ी देर 5 मिनट और इसे भूनेंगे जिससे कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए। देखिए ये अच्छी तरह से भून चुका है। हम 5 मिनट और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसे हम बंद कर देते हैं, ये पक चुका है और इसे डिश आउट कर लेंगे। इसमें देखिए आलू बिल्कुल टूटे नहीं हैं क्योंकि हमने बाद में डाला था आलू। ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। अब हम इसे इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। ये तैयार हो गई आपकी पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यदि कुछ कमेंट्स भी हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।